नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं माय फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है और मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये वीडियो आप स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, हम सभी फोटोग्राफर DSLR कैमरे यूज़ करते हैं, वीडियो कैमरे यूज़ करते हैं, उनमें अभी कैसे डिजिटल कैमरे आने की वजह से सब कैमरे में मेमोरी कार्ड होते हैं और ये मेमोरी कार्ड कैसे यूज़ होते हैं और किस तरह उसे कैरी करते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब भी हम कोई फ़ोटोज़ लेते हैं कोई फंक्शन में, तो कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंटली आपके फ़ोटोज़ डिलीट हो जाते हैं और तुरंत उसके बाद आपके कैमरे में एक मैसेज शो करता है, कार्ड एरर। तो मेरा सुझाव यह है कि आपको आप उसी वक्त उस कार्ड को कैमरे से बाहर निकालो, क्योंकि अगर आप वैसा ना करके उसी कार्ड पे अगर फोटोशूट करेंगे तो आपके आने वाले जो भी फ़ोटोज़ रहेंगे वो उसके ऊपर ओवरराइट होती रहेंगी और जो पहले वाले इमेज है वो आपको शायद कभी रिकवर हो सके। तो मेरा यही सुझाव है कि आप जल्द से जल्द उस कार्ड को बाहर निकालो और उस टाइम पे आप दूसरा कार्ड यूज़ करो। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ फ़ोटोज़ आपको डिलीट करनी है, तो आप तुरंत क्या करते हैं कि कैमरे में उसे डिलीट करना चालू करते हैं। लेकिन ऐसा मत करो दोस्तों, अगर आपको डिलीट करना ही है तो उस मेमोरी कार्ड को बाहर निकालो, कंप्यूटर से कनेक्ट करो और आपको जो इमेज डिलीट करना है वो डिलीट कर दो। उससे होगा क्या कि जो इमेज आपने डिलीट की है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसे डिलीट नहीं होना चाहिए था, आप उसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर कैमरे में आपने डिलीट कर दिए तो उसे आप रिकवर करना असंभव है। तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं, जब भी आप अपना मेमोरी कार्ड कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे तो उस वक्त कैमरे को उस मेमोरी कार्ड को बाहर निकालने के लिए, मतलब इजेक्ट करने के लिए सेफली रिमूव का ऑप्शन आप यूज़ किया करो। कंप्यूटर में, हर कंप्यूटर में आपको टास्क बार के नीचे सेफली रिमूव का एक ऑप्शन रहता है, तो आप उसका इस्तेमाल करो। अगर आपने वैसा नहीं किया और डायरेक्टली आपने डिसकनेक्ट कर दिया तो शायद आपके मेमोरी कार्ड को प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि जब भी आप मेमोरी कार्ड परचेस करते हैं तो आप सोचते हैं कि ज़्यादा मेमोरी कार्ड वाला कैपेसिटी वाला कार्ड परचेस करते हैं, लेकिन ऐसा मत करो। अगर आपको लेना ही है तो एक साथ दो कार्ड परचेस करो। अगर आपको 64GB का कार्ड लेना है तो 64 का मत लो, 32 वाले दो ले लो या फिर 16GB वाले चार ले लो। उससे होगा क्या कि अगर आपके कार्ड को प्रॉब्लम हो गई तो आपका पूरे कार्ड के फ़ोटोज़ गायब हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा सुझाव यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड यूज़ करो। पांचवा पॉइंट पे आते हैं हम। पांचवा पॉइंट ये है कि जब भी आपका जितना भी GB का आपका मेमोरी का जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी तक उस कार्ड को फुल मत किया करो। उसे 10% या 20% तो खाली रखा करो और आप दूसरा कार्ड इंसर्ट करो। उससे होगा क्या कि अगर आपने पूरा कार्ड फिल कर दिया और आप फोटो निकलते जा रहे, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि मेमोरी कार्ड फुल हो गया, तो उससे भी आपके मेमोरी कार्ड को प्रॉब्लम हो सकता है कॉपी पेस्ट करने में या फिर उसे शायद एरर आ सकता है। छठे पॉइंट पे आते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं कि मेमोरी कार्ड को कैमरे से बाहर निकाल के कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, कुछ लोग कट पेस्ट करते हैं, लेकिन फॉर्मेट करना भूल जाते। तो बीच बीच में आपका कार्ड कंप्यूटर को लगा के फॉर्मेट भी किया करो। उससे आपके मेमोरी में जितने भी अनवांटेड फाइल से JPG जो भी रहेंगे वो पूरी तरह से वाइप और क्लीन होते रहेंगे और हर बार वो मेमोरी कार्ड आपको फ्रेश यूज़ के लिए मिलेगा। सातवां पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी आप मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप उसे DSLR कैमरे में ही डाल के फॉर्मेट किया करो, क्योंकि उससे क्या होगा, कैमरे का फर्मवेयर, उसके सपोर्टेड फाइल उस कैमरे को एडजस्ट होगी। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम किसी दोस्त से, किसी फोटोग्राफर से अपना मेमोरी कार्ड फुल हो जाने की वजह से दूसरे का मेमोरी कार्ड मांग लेते हैं, लेकिन उस मेमोरी कार्ड में दूसरे कैमरे का सपोर्टेड फाइल या फर्मवेयर होने के कारण वो कभी कभी सपोर्ट नहीं करता या फिर वो कार्ड डैमेज बताता है। तो सबसे पहले उस कार्ड को आप फॉर्मेट करो। आठवें पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। आठवां पॉइंट ये है कि जब भी आप मेमोरी कार्ड को बाहर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपका कैमरा स्विच ऑफ है या नहीं। अगर आपका DSLR कैमरा स्विच ऑन है और उसी टाइम पे आपने मेमोरी कार्ड को बाहर निकाल दिया तो कार्ड करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नवे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। अगर आप बहुत दिनों से या फिर बहुत महीनों से, सालों से आप अपना मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे, तो
समय समय पर आप अपना मेमोरी कार्ड चेंज किया करो। अगर वही मेमोरी कार्ड आप यूज़ करते रहेंगे या उसमें अगर कोई क्रैचेस आ गए या फिर कोई इंटरनल डिफेक्ट आ गया तो आने वाले फंक्शन की फ़ोटोग्राफ्स आपके लॉस्ट हो सकती है, मतलब कभी भी आपको वो कार्ड धोखा दे सकता है। दसवें पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, जब भी आप फोटोग्राफी कर रहे तो उस समय आपका ध्यान बैटरी के लेवल पे होना चाहिए। अगर बैटरी लेवल कम है और उस टाइम पे अगर आपका कैमरा स्विच ऑफ हो गया तो जो आपने फ़ोटो ली है उसे जो टाइम लगता है फ़ोटो सेव होने में मेमोरी कार्ड में, अगर उसे वो टाइम नहीं मिला तो उस एक फ़ोटो की वजह से आपका मेमोरी कार्ड करप्ट हो सकता है। इसलिए आप DSLR में से जो बैटरी का लेवल अगर कम है तो उसे निकालो और उसे चार्जिंग करो। आगे का पॉइंट है 11वां, इसमें क्या होता है कि जब भी हम कंटिन्यूस मोड या फिर बर्स्ट मोड रहता है कैमरे में, अगर उस मोड में हम फ़ोटोज़ लेते तो बर्स्ट मोड में एक साथ 10-12 फ़ोटो ली जाती है और उस टाइम पे इतने सारे फ़ोटो, मतलब इतने सारे क्वांटिटी के फ़ोटो उस मेमोरी कार्ड में सेव होने के लिए उसे कुछ टाइम लगता है और वो टाइम हमें उस कैमरे को देना चाहिए। अगर आपने बाय मिस्टेकन उस टाइम कैमरे को ऑफ कर दिया तो उसको सेव होने में लगने वाला जो टाइम है उसे नहीं मिल पाएगा और आपका मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ पॉइंट्स जो आपको मेमोरी कार्ड को यूज़ करने और कैरी करने में बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के वीडियो के जो पॉइंट जो हम मेमोरी कार्ड यूज़ और कैरी करने में भूल जाते हैं, तो ये पॉइंट्स आपको फ़ायदेमंद रहेंगे। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मतलब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, शायद आपको कितनी महत्वपूर्ण लगे ये आप पे डिसाइड है। जब भी हम फोटोग्राफी करके घर पे आते हैं या फिर स्टूडियो पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यार हमारा मेमोरी कार्ड खो गया है, तो उस टाइम पे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मैं आपसे एक टिप शेयर करना चाहता हूँ, जब भी आप फंक्शन चालू करेंगे उस टाइम पे सबसे पहले आपके बिजनेस कार्ड का या फिर जो विजिटिंग कार्ड आपके पास रहता है उसका पहला फ़ोटो आप DSLR कैमरे से ले लो और उसे लॉक कर दो। लॉक करने के बाद आपका फ़ोटो उस मेमोरी कार्ड में लॉक हो जाएगा। अगर आपका मेमोरी कार्ड बाय चांस पूरा फंक्शन होने के बाद बाय मिस्टेकन अगर एक्सीडेंटली खो गया और अगर किसी बंदे को वो मिलता है और उसे आप तक लौटाना है, तो उस एक फ़ोटो की वजह से जो सबसे स्टार्ट में जो आपके बिजनेस कार्ड का जो फ़ोटो था उसकी वजह से वो आप तक पहुँचा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना ना भूलो दोस्तों, और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।